योजना का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इनकी उपस्थिति में खुला ड्रॉ। नागपुर में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इन्होंने कहा कि समाज के सामान्य व गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर देने का सरकार ने संकल्प लिया है। घर के साथ ही पीने का शुद्ध जल व अन्य जीवन आवश्यक सुविधाएं नागरिकों को उपलब्ध कराई जाएगी। वे रविवार को नैवेद्यम हॉल में नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व नागपुर सुधार प्रन्यास के संयुक्त तत्वाधान में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए जाने वाले मकानों के खोले गए ड्रॉ के दौरान बोल रहे थे। गडकरी ने कहा कि स्वयं के घर का सपना हर किसी का होता है, इसी को साकार करने के लिए पीएम आवास योजना लाई गई है। इसी के तहत 4,345 मकानों के ड्रॉ खोले गए। शहर के 5 इलाकों में यह मकानें बनाई गई है। वही शहर में दूसरे एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा, नागपुर शहर बन रहा है रोजगार निर्माण का केंद्र। एससीएल व एमएडीसी के बीच जमीन को लेकर हुए सामंजस्य करार हस्तांतरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, देश के माध्यम स्थित नागपुर शहर देश में रोजगार निर्माण का केंद्र बनना चाहिए। नागपुर और विदर्भ इंफ्रास्ट्रक्चर आत्मविश्वास के मामले में सबसे अमीर है। अब विकास के माध्यम से गरीबी दूर हो रही है, सिटी में रोजगार निर्माण हो रहा है, शहर में मौजूद कौशल्य और ज्ञान को अब अवसर मिलेगा। इस वक्त एससीएल के संजय गुप्ता ने कहा कि एससीएल की ओर से 8,000 लोगों को रोजगार दिया जाने वाला है। इसमें अभी तक 1,000 लोगों को रोजगार का लक्ष्य पूरा हो गया है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।